नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया था कि छठ, चैती छठ हो या फिर रामनवमी, यह तमाम जो त्यौहार है इसे घर पर ही मनाना है। और आपको बता दें कि सिवान में चैती छठ को लेकर के जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो अब घाटों पे पहुंच गई हैं और यहाँ पर छठ पूजा को जो है यहाँ पे संपन्न कराया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से कोरोना का कहर है, दिन प्रतिदिन मरीजों की जो संख्या है पॉजिटिव उसकी बढ़ती जा रही है, मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में जो प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और छठ घाटों पे तमाम जो छठ व्रती महिलाएं हैं अपने परिवार के साथ पहुंच गई हैं, छठ पूजा कर रही हैं। कई लोगों को तो देखा जा रहा है कि बिना मास्क के छठ पूजा यहाँ पे छठ घाट पे पहुँचे हुए हैं। हमारे तरफ से उन्हें बताया भी गया, आग्रह भी किया गया कि कम से कम आप लोग मास्क ज़रूर लगा लें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन की गाइडलाइन थी कि छठ व्रत जो है वो घर पर करना है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घाटों पर जो महिलाएँ हैं अपने परिवार के साथ पहुँची हुई है। अब तो इस तस्वीर को देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों को यह डर नहीं लग रहा है कि कोरोना जो बड़ी महामारी है कहीं वो न फैल जाए और जिला प्रशासन की जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे कई संवाददाता मौजूद हैं, सुरेंद्र कुमार यहाँ पे हैं। सुरेंद्र, ये बताएँ कि इधर आ जाए, ये बताएँ कि क्या कुछ स्थिति जो देखने को मिल रही है, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो गाइडलाइन है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, धीरे धीरे संख्या घाटों पे बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, कई लोग जो देखे जा रहे हैं बिना मास्क के ही बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, इससे कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये तो कोरोना पर आस्था भारी पड़ गई है। देखिए, पहले की जो एक साल पहले की जो कोरोना थी उसमें लोगों में काफ़ी डर था और दूसरी बार की कोरोना में लोगों में डर नहीं होने का एक कारण है, आप देख रहे हैं कि सारे गाइडलाइन लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिनसे सरकार चलनी है, जिनको वजह से प्रशासन चलनी है, 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, चाहे जहां भी चुनाव हो रहा है, वहां पे रैलियां पे रैली हो रही है, इसी को देखते हुए लोग भी अब डर नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि राजनीति हो रही है, असल में बीमारी है, बीमारी से लोग सच में मर रहे हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है, लेकिन नेताओं की रैली के चलते लोगों में इस बार डर नहीं है। लोगों को चाहिए कि नेता के पीछे न पड़े और सरकार की जो गाइडलाइन आती है, प्रशासन की गाइडलाइन आती है, आप देखते हैं कि कुंभ मेला हरिद्वार में जो कुंभ का मेला था, शाही स्नान था, उसको संतों ने कितना सूझबूझ के साथ स्थगित किया, उसका गाइडलाइंस तैयार किया है। ये आस्था अगर ज़िंदगी रहेगी तो भगवान को पूजा जा सकता है, माता को पूजा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना पार्ट 2 जब आया है हमारे यहाँ, दूसरे साल भी कोरोना का कहर है और लोगों में काफ़ी डर नहीं है, जिसका कारण नेता है, नेताओं की रैली को देख करके लोगों को हिम्मत बढ़ जा रही है कि नेता की रैली में कोरोना नहीं है और हमारे पूजा पाठ में कोरोना कहाँ से आ सकता है, इसलिए नेताओं के वजह से यहाँ डर नहीं है, लोग उसी को ध्यान में रखते हुए घाट पर भी पहुँचे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना है लगातार पांव पसार रहा है और बंगाल हो या फिर कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो डर भय बना हुआ वो नहीं है कि रैलियां जब हो रही है उस समय कोरोना कहाँ है, इसीलिए वो शायद इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है सिवान के छठ घाटों पर कि लोग यहाँ पे धीरे धीरे जो उनकी तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुँच करके और इस महापर्व को, जो छठ पूजा है, उसको संपन्न करा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया था कि घाटों पे कोई व्यक्ति नहीं जाएंगे, अपने घरों पे ही इस महात्यौहार छठ पूजा को मनाएंगे, लेकिन उन सबके बावजूद भी इस त्यौहार को यहाँ पे घाटों पर आकर के और मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कोरोना जो है महामारी, उसे रोका नहीं जा सकता है। अगर घाटों पे आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वायरस है और ये कभी भी किसी को अपना शिकार बना सकती है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, छठ घाट पे आप लोग आए हुए हैं, हालांकि कोरोना है तो किस तरीके से त्यौहार को मनाया जा रहा है? कोरोना तो बहुत फैल रहा है, लेकिन दूरी बना कर रखना है, दूरी बनाकर ही छठ व्रत करना है।
लेकिन प्रशासन ने कहा था कि घाटों पे नहीं जाना है। प्रशासन का तो कहना ही है, लेकिन लोग मान थोड़े रहे हैं दूरी बनाकर बच कर करना है। खतरा तो है, खतरा तो हला ही है, खतरा है जान कर फिर भी आ रहा है, अब क्या किया जाए। चलिए तो देखिए, अब माता जी एक आई हुई हैं यहाँ पे छठ पूजा को लेकर के, और इनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए कि इस बार आप लोग पहुँची हुई हैं और कैसे विधि, किस तरह की विधि होती है। चैती छठ पूजा कहा जाता है कि मन्नत का त्यौहार है। हम कौन चीज बताएंगे, मन्नत का त्यौहार माना जाता है इसको, भाड़ा बटे वही तो पूछ रहे हैं कि क्या भाड़ा था। वो पति के हमारा गुड़ में थी रहा है, माने पथरी टाइप के, वही के लिए हम, इसीलिए वो ठीक हो गए। हाँ वो ठीक हो गए। और कोरोना काल भी चल रहा है तो छठ माता से कुछ मांगेंगी? माता जी से क्या मांगेंगी, कोरोना को बीमारी जो है उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ छठ माता से आशीर्वाद? हाँ मांगेंगी ना, ये माता जी आप छूट दीजिए, ये थी अलग कोरोना वोना चल जाएगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि लोगों से जो बातचीत हो रही है, चाहे वो महिलाएं हों या फिर उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि हम लोगों का आस्था है और इसीलिए हम लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो ये लोग आए हुए हैं वो खतरा से कम नहीं है, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। लोगों को अपने घर पे छठ त्यौहार को करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है बहुत विकट परिस्थिति है, कब किसे कोरोना हो जाए या कहीं नहीं, कोई नहीं जानता है। दिन प्रतिदिन लोगों की मौत की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और पॉजिटिव मरीजों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी तरीके से कुछ और घाटों पर चलेंगे और वहाँ से भी हम नज़ारा दिखाएंगे कि क्या जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया लोगों ने कितना पालन किया, या फिर कोरोना पर सिवान के लोगों पर आस्था भारी पड़ गया, ये हम आपको आगे भी चलेंगे और वहाँ से दिखाने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994999। इसमें नामांकन जारी है सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। सिटी मोंटेसरी स्कूल एडमिशन इज गोइंग ऑन नर्सरी टू 10th ऑन सेशन 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहाँ स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चौमिंग, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431204
16851 7352735621। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड चाप ढाला के नजदीक सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें मोबाइल नंबर 9398600 8709001639 8539101041। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903-116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा, रियान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट, और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रियान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडर गारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 9909055।